हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम बात कर रहे हैं NCERT क्लास 11th चैप्टर 8 चल रहा है बेटा, एक्सरसाइज 8.1, उसके एग्जांपल्स की बात हो रही है आज की क्लास में। ओके, तो देखो, कल मैंने आपको प्रीवियस क्लास में मैंने आपको बताया हुआ था, बायनोमियल थ्योरम का इंट्रो दिया था और मैंने बताई थी कि ये आपकी क्या है, बायनोमियल थ्योरम के लिए ये आपका एक्सप्रेशन है। ओके, तो मैं आपको एक बार फिर से उसको रिकॉल करवा रहा हूँ। जैसे आपके पास क्या था, a प्लस बी की होल पावर n, तो ये आपका क्या था, एन सी जीरो ए की पावर n इंटू ओके b की पावर क्या जीरो, मैंने ये बताया ये एन सी जीरो है तो b की पावर जीरो प्लस एन सी वन ए की पावर n माइनस वन ओके और b की पावर क्या वन, अभी बात समझ में, प्लस एन सी टू ए की पावर एन माइनस टू बी की पावर टू ओके प्लस डॉट डॉट डॉट, इसे कहाँ तक करना है, एन तक, ठीक है, एन सी एन तक, ठीक है, तो प्लस एन सी एन ए की पावर एन माइनस एन और बी की पावर एन, ये आपके लिए आपका एक्सप्रेशन है बायनोमियल थ्योरम के लिए, अभी बात समझ। अब स्टूडेंट देखो, इसमें क्या है, कुछ केसेस हैं, ओके, दो केस हैं और वो केस वेस कुछ भी नहीं है, अभी बात समझ, हम ऐसे ही क्या है उसको ट्रीट कर लेंगे। ओके, तो जैसे यहाँ पे जैसे a माइनस बी टू दी होल पावर n, तो फिर आपको क्या करना है, जो यहाँ पे b आप ले रहे हो, ठीक है, उसको क्या है निगेटिव लेना है, अभी बात समझ, यानी कि इस प्रकार से लिखना है माइनस बी टू दी पावर जीरो, यहाँ पे माइनस बी टू दी पावर वन, इस प्रकार से, अभी बात समझ में। अब दूसरे, ये आपका फर्स्ट केस है, अभी क्वेश्चंस करेंगे आपका क्लियर हो जाएगा, ओके, कोई केस नहीं है। अब स्टूडेंट देखो, अगर यहाँ पे एक केस ये बन के आता है कि ए की वैल्यू आप वन पुट कर दो, ओके, वन प्लस बी की पावर एन हो जाएगा ये, अभी बात समझ, तो उसको क्या है, ए की प्लेस पे वन लिख देना, बी की प्लेस पे तो बी क्या है आपका है ही, ओके। तो स्टूडेंट देखो, अब क्वेश्चंस करते हैं, तो देखो आपका क्वेश्चन है एग्जाम्पल फर्स्ट, तो एग्जाम्पल फर्स्ट में उनने आपसे क्या कहा है, उनने आपसे कहा है कि एक्सपेंड एक्स स्क्वायर प्लस थ्री अपॉन एक्स टू दी होल पावर फोर, एक्स नॉट इक्वल टू जीरो, एक्स स्क्वायर प्लस थ्री अपॉन एक्स, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस थ्री अपॉन एक्स टू दी होल पावर फोर, इसको आपको क्या है एक्सपेंड करना है, अभी बात समझ में गई। तो देखो आप किस प्रकार से एक्सपेंड करोगे, देखो n की वैल्यू क्या है यहाँ पे आपकी 4 हो गई, a की वैल्यू एक्स स्क्वायर, b की वैल्यू वन अपॉन वो सॉरी 3 अपॉन एक्स, तो आप क्या करोगे, देखो एन सी जीरो, अब a की पावर n, यानी कि a की वैल्यू कितनी, एक्स स्क्वायर की होल पावर 4, अभी बात समझ में कि नहीं, क्योंकि n की वैल्यू क्या है 4 है, इन टू b की वैल्यू क्या है 3 अपॉन एक्स टू दी होल पावर क्या 0, अभी बात समझ में कि नहीं, ये आपका फर्स्ट टर्म हो गया। अब प्लस, अब एन सी वो 4c1, ओके, और a की एक्स स्क्वायर की होल पावर n माइनस वन, यानी कि 4 माइनस वन 3 हो जाएगा, इंटू b की पावर, यानी 3 अपॉन एक्स टू दी होल पावर 1, अभी बात समझ में कि नहीं, प्लस अब क्या 4c2 और क्या एक्स स्क्वायर टू दी होल पावर 2 इंटू 3 अपॉन एक्स टू दी होल पावर 3, अब आपका क्या है थर्ड स्टेप, वो सर 2 होगा यहाँ पे, ओके, थर्ड स्टेप क्या है आपका 4c3 और क्या एक्स स्क्वायर टू दी होल पावर 1 इंटू ओके 3 अपॉन एक्स टू दी होल पावर 3, अभी बात समझ, अब क्या प्लस 4c4, आपको कहाँ तक करना होता है एन सी एन तक, तो 4c4 ये आपका लास्ट स्टेप है, ओके, लास्ट टर्म है, अब क्या एक्स स्क्वायर टू दी होल पावर यहाँ पे 1 है, तो अब क्या हो जाएगी 0, ओके, और इंटू 3 अपॉन एक्स टू दी होल पावर 4, आई बात समझ में कि नहीं। अब देखो, अब आप क्या है सॉल्व करो इसको, तो देखो एन सी जीरो यहाँ पे 4 है, ठीक है, ओके, एन की वैल्यू 4 है ना, तो 4 एन सी जीरो आपका क्या होता है 1 होता है ना, तो 4c0 भी क्या हो जाएगा 1, तो 1 इंटू, अब ये क्या हो जाएगा आपकी x की पावर 8 और किसी की पावर 0 हो उसकी वैल्यू 1 होती है, अभी बात समझ में कि नहीं, प्लस अब ये 4c1
एन सी वन क्या होता है आपका, एन होता है ना, तो फोर सी वन क्या हो जाएगा, फोर इंटू ये आपका क्या हो जाएगा एक्स टू दी पावर सिक्स, और ये इंटू थ्री अपॉन एक्स, अभी बात समझ में आ गई, प्लस अब ये आपका फोर सी थ्री, तो फोर सी टू, तो फोर सी टू को सॉल्व करें तो क्या हो जाएगा आपका फैक्टोरियल फोर अपॉन फैक्टोरियल टू इंटू फैक्टोरियल थ्री, ये सॉरी फोर माइनस टू, तो ये आपका ट्वेंटी फोर अपॉन फोर, तो क्या आ गया ये सिक्स आ जाएगा ना, तो क्या सिक्स इंटू ये आपका क्या हो गया आपका एक्स की पावर फोर, और इंटू ये आपका क्या हो गया नाइन अपॉन एक्स स्क्वायर, अभी बात समझ में नहीं। अब आपका क्या प्लस एन सी एन माइनस वन क्या होता है, ठीक है एन सी एन माइनस वन एन ही होता है, तो क्या फोर इंटू एक्स स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा थ्री अपॉन थ्री का क्यूब ट्वेंटी सेवन एक्स क्यूब, देखो एन सी एन माइनस वन क्या होता है एन, ये एक्स स्क्वायर, ये ट्वेंटी सेवन अपॉन एक्स क्यूब प्लस एन सी एन क्या होता है वन, तो वन इंटू एक्स स्क्वायर की पावर जीरो वन, और ये क्या हो जाएगा एट्टी वन अपॉन एक्स टू दी पावर फोर, अभी बात समझ में नहीं, ये आपका क्या होगा एक्स टू दी पावर एट, ये स्टूडेंट आपका देखो ये यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएगा ओके, और ये मल्टी होके क्या आ जाएगा प्लस ट्वेल्व एक्स की पावर फाइव, ये बात समझ में कि नहीं, देखो ये कैंसिल आउट होगा तो फाइव तो बचेगा ना ओके, बट मैं उसको यहाँ पे लिखने जा रहा हूँ अदरवाइज आप कन्फ्यूज हो जाओगे ओके, प्लस ये यहाँ पे एक्स स्क्वायर रह जाएगा ठीक है, ये यहाँ पे चलो लिख दो फाइव है ओके, तो ये आप अब आप मल्टीप्लाई कर दो, तो फिफ्टी फोर एक्स स्क्वायर प्लस ये आप ये मल्टीप्लाई करो तो कितना हो जाएगा हंड्रेड एंड एट हो जाएगा, अपो ये कैंसिल आउट हो जाएगा तो यहाँ से एक्स बचेगा, अभी बात समझ में कि नहीं, और प्लस ये तो आपका एट्टी वन अपॉन एक्स टू दी पावर फोर है ही, तो ये आपका क्या है क्या फाइनली आंसर हो गया, चेक करते हैं आंसर, ठीक है बिल्कुल राइट आंसर है आपका ओके, तो करते हैं आगे, बिफोर दैट पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन, स्टूडेंट्स अब बात करते हैं आपके क्वेश्चन नंबर एग्जांपल टू की, तो एग्जांपल टू है आपका 98 टू दी होल पावर 5, तो इसको आप कैसे ट्रीट करोगे, इसको मैं 98 को ऐसे लिख रहा हूँ 100 एंड माइनस 2 की होल पावर 5, अभी बात समझ में नहीं, अब स्टूडेंट यहाँ पे आप बाइनोमियल थ्योरम यूज कर दो ओके, यहाँ पे ए की पावर 100 बी की पावर क्या माइनस 2, तो करें सॉल्व कैसे करोगे आप, एन सी जीरो यानी कि 5c 0 और 100 की पावर क्या 5 ओके, और इनटू माइनस 2 की पावर क्या 0 प्लस अब क्या करोगे आप 5c 1 और 100 की पावर क्या एक कम यानी कि 4 और माइनस 2 की पावर क्या 1 ओके, प्लस अब क्या 5c 2 100 की पावर क्या 3 इंटू माइनस 2 की पावर 2 ओके, देखो 100 की पावर तो घटती जाएगी माइनस 2 की पावर क्या है बढ़ती चली जाएगी, अब क्या 5c 3 और 100 की पावर क्या 2 और इंटू माइनस 2 की पावर 3 प्लस अब क्या 5c 4 100 की पावर 2 और इंटू माइनस 2 की पावर 2 हाँ सॉरी 100 की पावर क्या 1 और क्या माइनस 2 की पावर 4 और प्लस अब क्या है आपका 5c 5 और 100 की पावर क्या हो जाएगा अब आपका 0 इंटू माइनस 2 टू दी पावर 5, अभी बात समझ में कि नहीं, अब देखो अब आप सॉल्व करो तो 5c 0 क्या होगा एन सी जीरो क्या होता है 1 होता है, तो 5c 0 क्या होगा 1, तो 1 का तो इंटू कर दिया ठीक है, अब ये 10 टू दी पावर 5 की वैल्यू 10 के पीछे वो 100 टू दी पावर 5 की वैल्यू क्या 100 ओके, तो 100 इंटू 100 इंटू 100 इंटू 100 ये ही तो करना है आपको 100 इंटू 100 इंटू 100 इंटू 100 इंटू 100 यानी कि 1 के पीछे क्या 10 जीरो, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा यही आ जाएगा ना ओके, और ये तो आपका बनी हो गया, अब प्लस तो ये 5 हो जाएगा
एन टू, ये वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी, बन के ओके दिस हो जाएगी, बन के पीछे क्या है, और ये माइनस टू की पावर माइनस टू की पावर क्या, दिस आपका क्या होगा माइनस, तो यहाँ पे स्टूडेंट मैं माइनस साइन ले लूँ, यानी पहला टर्म पॉजिटिव है, दूसरा टर्म क्या है, अब तीसरा टर्म पॉजिटिव होगा, चौथा टर्म क्या होगा नेगेटिव। अब एन फाइव सी टू की वैल्यू, ठीक है, तो 5c2 की वैल्यू स्टूडेंट क्या होगी, फैक्टोरियल 5 अपॉन फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 3, ये आपका क्या होता है ओके 120 अपॉन ये क्या 612, यानी 10 निकल के आएगा ओके तो क्या प्लस 10 इंटू ये आपका ये आएगा, ठीक है ओके, और माइनस 2 का स्क्वायर 4, अभी बात समझ गए कि नहीं, क्लियर है। अब देखो, अब ये 5c3 भी क्या है, इसी 10 के इक्वल होगा, ठीक है, ये देखो 5c3 फैक्टोरियल 5 अपॉन फैक्टोरियल 3 इंटू फैक्टोरियल 2, ये अभी सॉल्व किया, क्या निकल के आया 10, तो इसकी वैल्यू क्या, और ये क्या है देखो, पहला टर्म पॉजिटिव फिर नेगेटिव, अब पॉजिटिव तो अब ये क्या है नेगेटिव खुल के आएगा ना, 10 इंटू क्या 100 स्क्वायर क्या हो जाएगा दिस, और ये क्या इंटू 8, अभी बात समझ में कि नहीं। अब अगला टर्म तो पॉजिटिव ही आएगा तो प्लस साइन लो, अब एन सी एन माइनस वन क्या होता है एन होता है ना, तो ये आपका क्या आ जाएगा 5 इंटू 100, और ये आपका क्या हो जाएगा इंटू 16 ओके, प्लस एन सी एन क्या होता है 1, तो 1 को छोड़ दो, और ये 100 की पावर 0 ये भी क्या होगा 1, और माइनस 2 की पावर ये, तो ये साइन यहाँ पे क्या है माइनस ही आएगा और 32, अभी बात समझ में कि नहीं। अब स्टूडेंट देखो मल्टी करो आप, ये तो आपका है ही ओके, अभी बात समझ रहे कि नहीं, ये आप मल्टी करोगे तो क्या आ जाएगा माइनस 5 और 80 पीछे ओके, और 2 का मल्टी तो 10 हो जाएगा स्टूडेंट ये दिस ओके, दिस 10 का करोगे तो यहाँ पे 10, अभी बात समझ में कि नहीं, 90 हो जाएंगे ओके, 8 तो ये है ही, एक ये 10 का आ गया ओके, अब प्लस अब ये क्या हो गया 40, यानी 4 के पीछे 70 ओके, अभी यहाँ पे कितनी है 6 है तो 70 आ जाएगा ओके, और ये अब ये यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा देखो, अब 80 हो जाएगा ये, तो माइनस 8 के पीछे क्या 50, ये हो गया आपका, ये आपका प्लस में ही रहेगा, तो ये आपका क्या हो गया 80 ओके, यानी कि दिस ओके माइनस 32 ओके, अब इन दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस ऐड कर दोगे आप, ठीक है, और दिस दिस सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो आपको फाइनली आंसर आ जाएगा, ठीक है, या आप देखो इनने कॉमन वोमन ले लिया है, ठीक है, उस प्रकार से किया है, तो ये आपका आ जाएगा आंसर 9039 2079 68 ओके। देखो आप इनको इस और ये ऐड कर लोगे, इनको और इनको ऐड कर लोगे ओके, दिस दिस दिस, ठीक है, ये नेगेटिव है दिस एंड दिस, तो ये नेगेटिव आ जाएगा दिस एंड दिस एंड दिस, ये पॉजिटिव आ जाए, फिर इसमें से क्या है इन तीनों के सम में से इन तीनों का सम घटा देना है, आपका फाइनली आंसर आ जाएगा, और आंसर आपका क्या है ये रखा हुआ है ओके। करते हैं एक और क्वेश्चन, बिफोर दैट पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। स्टूडेंट्स अब बात करते हैं एग्जाम्पल थ्री की, तो देखो एग्जाम्पल थ्री में उनने आपसे क्या कहा है, विच इज लार्जर 1.01 टू द पावर 10 लाख ओके और 10,000, यानी कि 1.01 टू द होल पावर 10 लाख ग्रेटर है या ये ग्रेटर है, ये आपको बताना है ओके। तो देखो करते हैं, देखो मैं क्या कर रहा हूँ, 1.01 टू द पावर क्या है 10 लाख है ना, इसको मैं सॉल्व कर रहा हूँ, तो मैं इसको ऐसे लिख रहा हूँ कैसे, 1 प्लस ओके 0.01 टू दी होल पावर
10 लाख, ओके। मैंने इसको ऐसे लिख लिया तो कोई दिक्कत नहीं है, अरे बात सर, जिसको ऐड करोगे तो आपका यही आ जाएगा 1.012 to the power 10 लाख, अरे बात समझ में कि नहीं। उसमें अब स्टूडेंट, अब मैं यहाँ पे बाइनोमियल थ्योरम लगा रहा हूँ, ये ए की वैल्यू 1 और बी की वैल्यू कितनी 0.01, अरे बात समझ में कि नहीं। तो देखो सबसे पहले क्या एन सी 0, यानी कि एन की वैल्यू क्या है, ओके 10,000 है, तो यानी कि 10,000, ओके 10 लाख है, सॉरी स्टूडेंट मैं उसको समझ रहा, 10 लाख, ओके सी 0, अरे बात समझ, 10 लाख सी 0। अब क्या 1 to the power कितनी 10 लाख, ओके, और इंटू बी की वैल्यू कितनी है 0.01 to the power 0, अरे बात समझ में कि नहीं। अब इसमें देखो यहाँ से आप समझे, 1 की पावर आप करोगे तो आपका क्या है 1 ही आएगा, यानी कि इसको आप लिखो तो लिख दो, ना लिखो तो क्या है मत लिख दो, ओके, और ये भी आपका 1 ही है, अरे बात। अब आपका क्या अगला स्टेप क्या आएगा 10 लाख C 1, अरे बात समझ में कि नहीं। और ये 1 की पावर क्या, इसमें से एक सब्ट्रैक्ट होगा, n माइनस 1 करेंगे, यानी कि 1 की पावर दिस माइनस 1, ओके, ये 10 लाख माइनस 1, तो 1 ही तो आएगा, और यहाँ पे क्या आएगा आपका, ओके 0.012 to the power 1, अभी बात समझ में। देखो मैं आपको दिखा, ओके दिखाने से कोई फायदा नहीं है, आप खुद फील करो, 1 की पावर 10 लाख माइनस 1 तो 1 ही आएगा, 1 पे कुछ भी पावर है उसकी वैल्यू 1, और ये यहाँ पे क्या है देखो एन सी 1 है, तो अब क्या बी की पावर क्या हो जाती है 1 ही होगी ना, देखो 0 है तो यहाँ पे 0, एन सी 1 है तो बी की पावर 1, एन सी 2 है तो बी की पावर क्या होगी अगले स्टेप में 2 होगी, तो यानी कि 0.01 to the power क्या 1, और प्लस क्या है अदर टर्म, ओके अदर, देखो स्टूडेंट ये देखो ये यहाँ पे क्या है सारे पॉजिटिव टर्म है ना, आई बात समझ में, ये सारी ये पॉजिटिव वैल्यूज हैं, ओके ये वैल्यू आपकी क्या है, ये वैल्यू आपकी क्या है, तो आगे भी कौन सी वैल्यूज आएंगी पॉजिटिव वैल्यूज आएंगी कि नहीं आएंगी, क्योंकि नेगेटिव साइन तो उसमें है ही नहीं कहीं पे भी, आई बात समझ में, तो नेगेटिव आने का तो क्वेश्चन ही अराइज नहीं होता है, आई बात समझ, तो अदर पॉजिटिव टर्म्स, अभी बात समझ, मैंने यहीं पे ब्रेक कर दिया अब, ओके आपको ज़्यादा कुछ नहीं लिखना है, ओके। अब स्टूडेंट देखो एन सी जीरो क्या होता है, एन सी जीरो क्या होता है 1 होता है ना, तो ये 10 लाख C 0 क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, और ये तो 1 है ही, अभी बात समझ, 1 to the power ये 1, और ये भी क्या निकल के आएगा 1, यानी 1 into 1 into 1, तो क्या हो गया आपका 1, बिल्कुल सिंसियरली से समझना है, बिल्कुल नेचुरली मैं समझा दूंगा, अभी बात समझ में कि नहीं, डोंट फियर। अब देखो एन सी 1 क्या होता है, एन होता है ना, तो 10 लाख C 1 क्या हो जाएगा 10 लाख, ओके अभी बात समझ में कि नहीं। अब दिस की पावर दिस तो क्या हो जाएगा, दिस ही निकल के आएगा 0.01, और प्लस स्टूडेंट क्या अदर पॉजिटिव टर्म्स, ओके बहुत टर्म है आगे, आई बात समझ, कहाँ तक 10 लाख तक के टर्म लिखना है, तो वो ये लिखे हैं अदर पॉजिटिव टर्म, आई बात समझ में। अब स्टूडेंट देखो 1 प्लस, यहाँ पे मैं इसको सॉल्व कर दूँ, अभी बात समझ, पॉइंट के प्लेस पे 1, पॉइंट के बाद 2 digit है तो ये दिस, अभी बात समझ में, तो यहाँ से आपका क्या निकल के आया, अभी बात समझ में, और प्लस क्या अदर पॉजिटिव टर्म्स, ओके। तो स्टूडेंट ये आपका ऐड हो गया, तो ये आपका क्या हो जाएगा 1,000 प्लस अदर पॉजिटिव टर्म्स, अभी बात समझ में कि नहीं, ओके क्लियर है ये इतना। अब स्टूडेंट देखो आप खुद से चेक करो, दिस की वैल्यू दिस प्लस अदर पॉजिटिव, यानी कि इससे तो ग्रेटर है ये ना, आप खुद से चेक करो, इसी को तो देखो, इसको एक्सपेंड किया तो ये आया आपके पास,
ओके और भी कई पॉजिटिव टर्म है। तो देखो यहीं से आप देख लो, जब इतना ओके इतना आप बेशक छोड़ दो, आप इतना ही देखो, ये भी ग्रेटर है तो ये तो बहुत बड़ी वैल्यू होगी ना, तो बहुत बड़ी वैल्यू तो ये बहुत बड़ा हो जाएगा उससे, यानी कि ये ग्रेटर होगा काय से 10,000 से। ये बात समझ, यही तो आप तो 10 आपको क्या प्रूव करना है, ठीक है 1.01 टू दी होल पावर कितनी 10 लाख ग्रेटर देन क्या 10,000। अरे बात समझ ना कि नहीं, तो आपको समझ आ रहा है ना। देखो रियली में यदि आपको प्रॉब्लम आई है क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करने में तो कमेंट बॉक्स है, आप कमेंट करो ओके, खुल के आप अपना डाउट पूछो। अरे बात समझ ना कि नहीं, क्लियर कन्फर्म है कि नहीं, तो खुल के आपको डाउट पूछ लेना है। पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन स्टूडेंट्स। अब बात करते हैं आपके एग्जाम्पल 4 की, लास्ट एग्जाम्पल है आपकी बुक में। तो देखो क्या है, यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम प्रूव दैट 6n-5। देखो 6n-5 यानी एक नंबर है आपके पास, ठीक है ध्यान से समझना। तो ऑलवेज लीव रिमाइंडर 1, ये हमेशा रिमाइंडर 1 देती कब, जब इसमें क्या है 25 से डिवाइड किया जाए। ये बात समझना कि नहीं, 6n-5n में 25 से डिवाइड करो तो रिमाइंडर क्या है, हमेशा बन आता है। एन इसमें क्या है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है रिमाइंडर क्या आएगा, एन की वैल्यू आप कुछ भी पुट करो, ठीक है ओके। तो आपके पास जो नंबर आएगी ओके उसमें 25 से आप डिवाइड करो तो रिमाइंडर बन आए, यानी कि 6n-5n/25। तो रिमाइंडर क्या, ये आपको प्रूव करना। तो स्टूडेंट देखो प्रीवियस क्लास में आपने यूक्लिड डिवीजन लेम्मा पढ़ी हुई है ओके, क्या पढ़ा हुआ है यूक्लिड डिवीजन लेम्मा। तो यूक्लिड डिवीजन लेम्मा में आपने पढ़ा हुआ था कि यदि आपके पास दो नंबर ए एंड बी है ओके, आई बात समझ में, यदि आपके पास दो नंबर ए एंड बी है तो उनमें क्या रिलेशन होता है, ए इक्वल टू क्या होता है बी क्यू प्लस आर, और ये आर क्या होता है रिमाइंडर, क्यू क्या होता है कि बी में बी से क्या है ए में डिवाइड किया तो क्यू क्वाशेंट आया, क्यू क्या है क्वाशेंट, आर क्या है रिमाइंडर। आई बात समझ, तो इसका भी यहाँ पे यूज होगा थोड़ा एंड पे जाके, इसीलिए यहाँ पे क्या है आपको अंडरस्टैंड करवा दिया है। आई बात समझ में कि नहीं। अब स्टूडेंट देखो मैं क्या कर रहा हूँ ओके, मेरी फीलिंग समझना आप, ठीक है मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ। देखो मैंने क्या किया, देखो 1+a^2n ओके, क्या किया मैंने 1+a^2n। तो देखो अब मैं इसको एक्सपेंड करूँ तो मेरे पास क्या होगा nc0 ओके, और a की वैल्यू क्या है यहाँ पे 1 है, और b की वैल्यू क्या है a है। आई बात समझ में कि नहीं, तो देखो 1^2 क्या n इंटू a^2 क्या हो जाएगा 0 प्लस अब क्या nc1 और 1^2 क्या n-1। आई बात समझ में कि नहीं, और इंटू a^2 क्या 1 प्लस क्या है आपका nc2 अब क्या 1^2 क्या हो जाएगा n-2 और a^2। आई बात समझ में, प्लस डॉट 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 कहाँ तक, प्लस ncn और 1^2 क्या n-n ओके, और इंटू a^2 क्या हो जाएगा ncn होता है ओके n, और ये 1^2 क्या है n-n यानी कि 0 कर दूँ मैं, n-n करोगे लास्ट में क्या ओके चलो बना रहने दो ओके n-n दिखाई तो दे रहा है आपको, क्लियरिटी में दिखाई दे रहा है। अब देखो स्टूडेंट बात करते यहाँ पे इसको, देखो nc0 आपका 1 होता है ना, तो 1 और 1 की पावर आप कितनी भी करो 1, यानी कि दिस वैल्यू 1 तो ये आपका यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे 1+a^2n ही आप लेके चलोगे ओके। आई बात समझ में कि नहीं, अब ये यहाँ पे आपका क्या, देखो nc1 आपका क्या होता है n होता है ना, तो प्लस, तो ये आपका क्या है n निकल के आ गया ओके, और क्या इंटू a। आई बात समझ में कि नहीं, देखो ये a आएगा अब प्लस ये आपका nc2 ओके, इसको आप कुछ मत करो, उसको nc2 ही लिखो ठीक है, क्या लिखो nc2
और क्या ये a की पावर, ये आपका क्या हो जाएगा, वन टू दी पावर कुछ भी है जीरो, वो वन, आई बात समझ में। तो ये तो वन हो गया, तो क्या ए स्क्वायर, आई बात समझ में कि नहीं, प्लस डॉट 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 प्लस। अब देखो एन सी, मैंने कहा ना सॉल्व नहीं करना, ठीक है, एन सी एन, आई बात समझ में कि नहीं। बस यहाँ दो स्टेप आपको सॉल्व करने, दिस वाला ओके एंड दिस वाला, और बाकी के सब ये एन सी वन, वो एन सी टू से फिर आपको सॉल्व ही नहीं करना है, ओके अभी क्यों नहीं। देखो अब वन की पावर एन माइनस एन जीरो, यानी वन की पावर कुछ भी है तो उसकी वैल्यू क्या, वन। तो ये यहाँ पे क्या आ गया आपके पास, ए की पावर एन, यही तो आया, बिल्कुल क्लियरिटी में समझ में आ रहा है, डोंट फियर, ओके। अब देखो अब मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे पुट, ठीक है, ए इक्वल टू मैंने क्या है फाइव पुट कर दिया यहाँ पे, ओके ये जो एक्सप्रेशन बन के आया है इसमें मैंने क्या किया, ए इक्वल टू फाइव पुट किया। अब मैं ऐसा कर क्यों रहा हूँ, ओके आप ये पूछोगे सर आप ऐसा कैसे कर रहे हो, ओके तो वो आपको अभी मालूम, क्योंकि मुझे ये प्रूव करना है, ओके क्या प्रूव करना है, सिक्स की पावर एन माइनस फाइव एन, मैं डिवाइड 25 से दिया जाए तो रिमाइंडर क्या है, वन आए, इसीलिए मैं कर रहा हूँ क्योंकि मेरे दिमाग में, ओके मेरे दिमाग में वही चल रहा है कि मुझे प्रूव करना है, और कहाँ से प्रूव करें, अभी बात समझ में, कहाँ से लेके आए, उसमें वैल्यू तो कुछ दी नहीं है आपको, क्लियर है कि नहीं। तो मुझे चीज़ें प्रूव करनी है, इसीलिए मैंने क्या किया ए इक्वल टू फाइव पुट कर दिया यहाँ पे। देखो स्टूडेंट अब आप ए इक्वल टू फाइव पुट करोगे तो फाइव प्लस ओके वन प्लस फाइव क्या हो जाएगा, ये सिक्स की पावर एन इक्व टू वन प्लस ये क्या हो जाएगा आपका फाइव एन हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, क्योंकि ए की वैल्यू आपने क्या है ओके प्लस अब क्या एन सी टू इंटू क्या फाइव स्क्वायर ओके प्लस स्टूडेंट आगे अगर आगे का स्टेप आप लिखना चाहो तो आपका क्या है ठीक है एन सी थ्री और ए क्यू ये भी होगा ना आगे का यही तो होगा आगे का स्टेप ओके प्लस डॉट 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 प्लस एक बात में समझ जाया करो एन सी एन और क्या फाइव की पावर क्या एन क्योंकि ए इक्वल टू और यहाँ पे फाइव ठीक है। अब देखो स्टूडेंट ये मैंने इधर इधर कर दिया ओके तो सिक्स की पावर एन माइनस फाइव एन इक्व टू इधर क्या ये देखो ये इधर आ गया माइनस का हो गया। देखो आपको खुशबू आने लगी कि नहीं आंसर की ओके अभी बात समझ में जो हमें प्रूव करना है उसकी क्या है आपको खुशबू आ रही है कि नहीं आ रही है यस तो ये बन अब बन तो इधर ही रह गया। यहाँ से स्टूडेंट मैंने क्या किया देखो ये सारे स्टेप्स हैं ना इन सब में क्या है फाइव स्क्वायर कॉमन होगा देखो यहाँ पे अगले में क्या होगा फाइव ओके क्या होगा फाइव की पावर फोर फिर फाइव की पावर फाइव ठीक है और कहाँ तक फाइव की पावर ये आपका क्या है एन आई बात समझ में करी। तो इन सारे स्टेप से मैंने क्या किया 25 कॉमन फाइव स्क्वायर मतलब या पहले आप फाइव स्क्वायर लिख लो डोंट फियर। तो यहाँ से क्या बचेगा आपका एन सी टू बचेगा प्लस यहाँ से आपका क्या बचेगा ओके आपने फाइव स्क्वायर कॉमन लिया है तो एक फाइव तो रह जाएगा यानी कि एन सी थ्री इंटू फाइव रह जाएगा ओके प्लस डॉट 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 यहाँ से आपका क्या रह जाएगा एन सी एन ओके और फाइव स्क्वायर आपने कॉमन ले लिया है तो क्या रह जाएगा फाइव टू दी पावर एन माइनस टू यही तो रह जाएगा क्लियर है कि नहीं। फाइव स्क्वायर आप कॉमन लोगे तो यही रहेगा कॉमन मीन्स भाग देना भाग दोगे आप इसमें तो वो यही आ जाएगा ठीक है इसमें ओके दिस। अब स्टूडेंट देखो सिक्स की पावर एन माइनस फाइव एन इक्व टू वन ओके प्लस ये आपकी 25 वैल्यू आ गई और इस सारी वैल्यू को मैंने क्या है के कह दिया ओके क्या बोल दिया मैंने के ठीक है जहाँ पे वेयर और ये स्टूडेंट ये क्या है ये पॉजिटिव वैल्यू है आई बात समझ में। देखो यहाँ पे कोई नेगेटिव साइन तो है नहीं तो ये आपका क्या है कुछ कोई इंटीजर निकल के आएगा आई बात समझ में कि नहीं। तो ये के क्या है इसके इक्वल है और के वेयर ओके आप लिख लेना वेयर के इज इक्व टू एन सी टू प्लस एन सी थ्री इंटू फाइव प्लस डॉट 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 प्लस एन सी एन फाइव टू दी पावर एन माइनस टू आई बात समझ में कि नहीं। यानी कि आपके पास क्या आ गया सिक्स की पावर एन माइनस फाइव एन इज इक्व टू 25 के प्लस वन ओके इट मीन्स ओके वैन ठीक है वैन वी डिवाइडेड बाई सिक्स की पावर एन माइनस फाइव एन ठीक है ओके
डिवाइडेड 6 की पावर n माइनस 5n बाई 25। देखो 20, देखो 6 की पावर n माइनस 5n इक्वल्स टू, ये आपकी क्या यूक्लिड डिवीजन लेमा लिखी हुई है कि नहीं? देखो ये a है, a इज इक्वल्स टू बी, ओके बी क्यू प्लस आर, यानी कि 25 से आप इसमें डिवाइड करोगे तो k टाइम जाएगा, एक कॉन्स्टेंट आएगा। अरे 50 में आप डिवाइड करो, ठीक है, अभी बात समझ में, जैसे 51 में आप डिवाइड करो 25 से, तो 50 तो क्या टू बार जा रहा है, एक रिमाइंडर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, यानी कि 25 से आप इसमें डिवाइड करोगे तो डिवाइड क्या है, कोई आपके पास वैल्यू आएगी, ओके क्वेश्चन आएगा कुछ, और लेकिन रिमाइंडर क्या आएगा, वन। ये प्रूव कर दिया मैंने, अभी बात समझ में कि नहीं? अब देखो अगर आपको ये समझ में नहीं आया, ठीक है, ओके इससे इजी, इससे कोई नहीं समझा सकता, आई बात समझ में, अगर अभी भी नहीं आया आपको समझ में तो फिर महादेव समझाने आएंगे आपको, आई बात समझ में कि नहीं? तो यही मैं लिख रहा हूं, ये चीज, ये जो आपके पास आई है ये चीज क्या शो कर रही है, इट मींस व्हेन वी डिवाइडेड 6 की पावर n माइनस 5n बाई 25 है, देन रिमाइंडर ऑलवेज वन, ठीक है, ऑलवेज वन, तो रिमाइंडर हमेशा क्या होगा, वन होगा, ये बात समझ में कि नहीं? यदि आपको आपको सीरियसली क्वेश्चन समझना है, रियली में प्रॉब्लम हुई है, तो आप कमेंट लिख सकते हो, अभी बात समझ में, ओके फिर भी अगर समझ में नहीं आया तो मैंने बात बता दिया, फिर तो आपको महादेव से ही समझना पड़ेगा, ओके मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज में।